यह तो एक संकेत है, मार्च यह मार्च एक संकेत है, आगे बहुत लड़ाई है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज हो चुका है, जनता की आवाज को लाठियों से दबाना चाहती है। मेरे हाथ गवाही हो गया, मैं लाठी चार्ज का भर्त्सना करता हूँ। नीतीश काफी हमें देख रहे, यह पूरे हाथ मेरा फ्रैक्चर लगता है हो गया है। ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाजपा बिहार विधानसभा की ओर निकल चुकी है और बिहार विधानसभा का मार्च जो है शुरू हो चुका है। और हमारे साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, सर विधानसभा पहुंच जाएंगे। देखिए अब विधानसभा के लिए या आक्रोश मार्च कहिए, हम संविधान को चूर चूर नहीं होने देंगे। जिस तरीका से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिहार के शिक्षकों पर लाठी बरसा रहे हैं, दूसरे राज्यों से यहाँ शिक्षक आ जाए इसके लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं, किसान सलाहकारों के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, इसके खिलाफ यह मार्च है और सीधे विधानसभा में संकेत करेंगे कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, जनता आ रही है। क्या लगता है शिक्षक का जो मुद्दा है, अपराध का जो मुद्दा है, वो निश्चित सफल होगा? सफल होना ही है, नीतीश कुमार को जाना ही है। यह तो एक संकेत है मार्च, यह मार्च एक संकेत है, आगे बहुत लड़ाई है। मार्च एक संकेत है और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो भाजपा के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं लगातार बिहार विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो है गांधी मैदान से निकले हुए हैं और ऐतिहासिक गांधी मैदान से निकलने के बाद बिहार विधानसभा तक ये लोग मार्च करने की तैयारी में हैं और उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। भीड़ और उत्साह आपको देखने को मिलेगा, हजारों की संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान से निकल चुके हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज हो चुका है और भाजपा द्वारा बिहार विधानसभा का जो मार्च का जो आयोजन किया जा रहा था, आप देख सकते हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल किस तरह से पुलिस में घिरे हुए हैं और लगातार लाठियां जो है चल रही है और उधर आप पुलिस जो है वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर चुकी है और लगातार भाजपा के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं और वो भाग रहे हैं। आप साफ तौर से देख रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पुलिस व्यवस्था नीतीश कुमार को देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बर्बाद कर रही है। आज आ गया, हम इसको सांसद के ऊपर मेरे हाथ गवाही हो गया, मैं लाठी चार्ज का भर्त्सना करता हूँ। नीतीश काफी हमें देख रहे, यह पूरे हाथ में लाठी चार्ज, यह हाथ मेरा फ्रैक्चर लगता है हो गया है, लाठी मारा है। यह नीतीश कुमार की बर्बरती सरकार, उसके पुलिस लाठी चार्ज कर करके मेरे नहीं, उनसे भी मुठभेड़ किया है सब, उनके ऊपर भी लाठियां चढ़ाया। यह अंधी बहरी सरकार, यह गूंगी सरकार का जीता जागता उदाहरण है। यह कहने के बाद भी कि सांसद हैं, देख सकते हैं कि विजय सिन्हा लगातार आ रहे हैं और लाठी की सरकार। ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता की आवाज को लाठियों से दबाना चाहती है, ये कतई स्वीकार नहीं है। सदन में बोलने दे देगा, सड़क पर चलने नहीं चलेगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कल ये अत्याचारी दुराचारी सरकार को हम गवर्नर से मांग करेंगे हस्तक्षेप का। देखिए विजय जी, आप पर आज लाठी भी चली, आप पर वाटर कैनन चलाया गया और आपको कहां कहां चोट लगी है ये गोले जान करके खदेड़ के हम तो साइड से निकल भी रहे थे कि बैठ जाएंगे आगे जाके। कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पीटा गया, ये कार्यकर्ता रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। देखिए आपको दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ चोट लगी है सर आपको? हाथ में मारा है, हाथ में कहाँ पड़ी सर? ये भ्रष्टाचार, ये सरकार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठी का इस्तेमाल जो है विजय सिन्हा पर भी किया गया है। लगातार पुलिस जो है लाठी चार्ज कर रही है और वाटर कैनन का प्रयोग भी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो है पुलिस व्यवस्था डाक बंगला चौराहे पर लगाई गई है और आपको मैं नज़ारा भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो लोग भागे हैं उनका, वो अभी भी जो है लाठियां चल रही है,
छिटपुट लाठियां चल रही है और लगातार जो व्यवस्था है पुलिस की वो चाक चौबंद है। और डाक बंगला चौराहे से जो विधानसभा मार्च तक जाना था, ये रास्ता जो डाक बंगला चौराहे तक जो जाना था और विधानसभा के लिए, उसको जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोक दिया गया है और लाठियां बरसाई गई है। बहुत सारे नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विजय कुमार सिन्हा भी घायल हुए हैं और ये अभी भी डाक बंगला चौराहे पर जो लाठियों का दौर है वो अभी तक चालू है। ये अपराधी भ्रष्टाचारी आवाज को दबाना चाहते हैं, शिक्षकों पर भी लाठी बरसाया। मैं इसके विरुद्ध सड़क से सदन तक लड़ूंगा। जब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार, अपराधी सरकार को नहीं उखाड़ कर फेंकूंगा, बिहार चैन से नहीं बैठेगा। ये भ्रष्टाचारियों की जमात बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है। सदन में भी बोलने नहीं देना, सड़क पर चलने नहीं देना। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन चुके हैं, ये सत्ता और कुर्सी के लिए समझौता कर चुके हैं, ये एक भी मिनट कुर्सी के लायक नहीं है। इस विषय को लेकर के गवर्नर को हस्तक्षेप के लिए हम मांग करेंगे। वो चार सीटेड भ्रष्टाचारी है, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए। हजारों कार्यकर्ता देखिए उधर वहाँ पे सड़क है। अरे हम पर ही लाठियां बरसाया है, बताइए शांति पुना रहा है, जाने देना चाहिए। देखिए अभी भी विजय सिन्हा जी उधर देखिए, आपके कार्यकर्ता कितने सारे मौजूद हैं। आपके कार्यकर्ता का माथा फाड़ दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बचाव में लगे हुए हैं और देख विजय कुमार सिन्हा और लगातार जो पुलिस है उनको रोकने का प्रयास कर रही है। और ये गुंडागर्दी है, बिहार में घोर गुंडागर्दी है, ये पूरी तरह से आपातकाल लगाना चाहता है और आपात सड़क से सदन तक और गांव तक लड़ाई जाएगी। बिहार में हस्तक्षेप करना चाहिए, ये गुंडों के हवाले, भ्रष्टाचारियों के हवाले बिहार है। कार्यकर्ताओं को पीटी जा रही है, गलत एकदम घोर शांति, ये क्या तमाशा है? आप क्या करेंगे सर, आज के बाद आप क्या करने वाले हैं? आज के बाद इसको उखाड़ने के लिए ये 74 की याद दिला रही है, उन भ्रष्टाचारियों का समूल नष्ट करने का नया आंदोलन शुरू होगा। इसको उखाड़ने के लिए क्या रास्ता है आपके पास, सरकार को उखाड़ने के लिए? ये भ्रष्टाचारी सरकार, तानाशाही हिटलर शाही सरकार को बिहार की जनता के साथ मिलकर के सत्ता से बेदखल करेंगे। कुछ लोग तो जेल में जाएंगे, कुछ लोग बेल पर हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचा रही है सरकार। गैस का जो प्रयोग है वो कर दिया गया है और लगातार पुलिस जो है, जो विधानसभा मार्च करने के लिए जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास कर रही है और लगातार जो संघर्ष है वो जारी है। आप साफ तौर से वो धुआं देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है आंसू गैस का प्रयोग पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया और डाक बंगला चौराहे पर जो भी भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको रोक दिया गया और पीछे खदेड़ दिया गया। आप साफ तौर से वो धुआं देख रहे होंगे कि लगातार जो है पुलिस जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं उनको पीछे खदेड़ने का प्रयास कर रही है और लगातार उन्हें आपने विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सुना कि किस तरह से वो भाजपा के नेताओं पर हुए लाठी चार्ज की भर्त्सना करते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने मांग किया कि जो बिहार में जो वर्तमान सरकार है उसको किस तरह से वो 2024 और 2025 में जो है हराने का काम करेगी।